घर में शादी है और सब्जी बनाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं तो उनके लिए आज बहुत सारी सब्जी बनने वाली है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा मात्रा में तेल लिया है और उसमें जीरा डाल दिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी डालेंगे गरम तेल में। यहाँ पर 1 किलो प्याज लिया है, इसको भी डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक ये बढ़िया तेल में पक नहीं जाता है। यहाँ पर मसाले हमने ले लिए हैं सब्जी के लिए, हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और भुना हुआ धनिया पाउडर भी है। सभी को पानी डाल करके बढ़िया सा घोल कर एक पेस्ट बनाएंगे और डालेंगे प्याज में। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक बढ़िया से पक नहीं जाएगा। मसाला भून गया है, इसमें 2 किलो कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे गलने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी कटी हुई सब्जियों को डालेंगे। टमाटर पक गए हैं, कटा हुआ आलू डालेंगे, कुछ सेकंड भूनेंगे, फिर इसमें गोभी और मटर को भी डालेंगे। 5 मिनट अच्छे से मसाले के साथ में कटी हुई सब्जियों को भूनते हुए पकाएंगे। ये सब्जी हम रसेदार बनाएंगे तो यहाँ पर हम इसमें नमक डाल देते हैं, उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं, फिर हम इसको ढक करके पकाते हैं। सब्जी ज़्यादा है तो पकने में टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी तो बन करके तैयार हो गई है। ऐसी सब्जी आप अपने मेहमानों को कब खिला रहे हैं बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय।